ये तस्वीर देखिए आप खुद जो सहरसा सदर के जो बीजेपी विधायक है डॉक्टर आलोक रंजन खुद यहाँ पर छठ घाट पर पहुंचकर जो है छठ घाट का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं और विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सरफराज आलम। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर जिले में तैयारी जोरों शोर पर चल रही है, जहाँ छठ घाटों की जो साफ सफाई की प्रक्रिया है वो जोरों शोर पर है। और ये तस्वीर देखिए आप खुद जो सहरसा सदर के जो बीजेपी विधायक है डॉक्टर आलोक रंजन खुद यहाँ पर छठ घाट पर पहुंचकर जो है छठ घाट का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं और विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर जो तैयारी है वो जिला प्रशासन के द्वारा जोरों शोर पर की जा रही है और जो छठ घाटों का खुद निरीक्षण करने के लिए बीजेपी के सदर विधायक डॉक्टर आलोक रंजन जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, क्या देख रहे हैं, छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दी जा रही है? नहीं, देखिए प्रत्येक वर्ष के भांति हमने 15 दिन पहले जिला प्रशासन को, नगर परिषद के एक्जीक्यूटिव को के साथ बैठ करके उनको एक अपना ज्ञापन भी दिया था कि आप प्रत्येक वर्ष के भांति सहरसा का जो छठ घाट है वो सहरसा और ख़ास करके जो भी नगर पंचायत है, चूँकि अभी नगर पंचायत जो नया हुआ वो गठन नहीं हुआ है और उस वो भी सहरसा के ही अंदर है, तो ये जवाबदेही बनता है सहरसा नगर निगम का कि सभी नगर पंचायत के अंदर आने वाले जो भी छठ घाट हैं इसकी सफाई हो। और उस दिन से लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है पदाधिकारी से, और जैसा आज हम घूम करके देख रहे हैं हमको लगता है कि 75% पानी की सफाई हुई है, 25% अभी बचा हुआ है। नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव के का कहना है कि हम इसको सर 1 से 2 दिन में जो भी बचा है उसकी सफाई कर देंगे। हम सरकार के यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और विपक्ष के हैं, तो निश्चित रूप से मेरा जवाबदेही बनता है कि जो भी कमियाँ रहेगी सरकार का उसको हर वक्त हम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। और हमने हिदायत दिया है कि यदि कोई कमी होगा तो हम इसके विरुद्ध आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे, नहीं आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको इसके लिए धन्यवाद भी देंगे, इसके लिए आपको सम्मान भी करेंगे। और नगर परिषद के पदाधिकारी के द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो भी कमियां जहां हैं उस कमी को हम खत्म करें, कोई कमी नहीं हो। निश्चित रूप से अपराधी का इस NDA सरकार हटने के बाद अपराधी का मनोबल बढ़ा है, तो इस बार उसकी तैयारी उससे और बेहतर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 2-3 महीने में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो उस दृष्टि को रखते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ढंग से यहाँ इस शहर के सुरक्षा को जो है सो और मजबूती, इस खास करके पर्व के अवसर पर जो किसी प्रकार का कोई भी हमारे छठ व्रती या जो भी जनता है उनको कोई कठिनाई नहीं हो, उनके साथ कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करे, किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं करे, इसके लिए मजबूती से इस व्यवस्था को करना है। और हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लगातार हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इसको मेंटेन करेगी। छठ महोत्सव का जो शुरुआत आप किए थे क्या इस बार भी? हाँ, देखिए हमने छठ महोत्सव का यहाँ शुरुआत किया था। मैंने जिला पदाधिकारी से आग्रह किया कि आप, चूँकि विभाग को जिला पदाधिकारी इस महोत्सव को क्रियान्वयन कराने के लिए की जवाबदेही जिला पदाधिकारी की होती है, तो विभाग को जिला पदाधिकारी के द्वारा जब पत्र भेजा जाएगा तब वह राशि आएगा। हमने जिला पदाधिकारी से आग्रह किया कि दोनों जगह के लिए आप वहां पर सहरसा का ये भास्कर महोत्सव स्वीकृत है, आप यदि पत्र भेज देंगे तो वहां से राशि, वहां के जो हमारे कल्चर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमको सर एक जिला पदाधिकारी का पत्र भेज दीजिए, तो हम उसको भेज देंगे। लेकिन अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं कि कठिनाई है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम सक्षम ये भास्कर महोत्सव कराने में सक्षम नहीं है। तो कराना तो सरकार को है, कराना तो पदाधिकारी को है, हम तो सिर्फ जो हमने व्यवस्था किया था अपने कला संस्कृति विभाग से सहरसा के जनता को भास्कर महोत्सव के लिए, उस व्यवस्था को हमने कहा कि उसको बरकरार रखना चाहिए, लेकिन यदि पदाधिकारी यदि इसमें चाहेंगे तभी हो सकता है, तो हमने आग्रह किया है
लेकिन अभी तक उन्होंने हमसे जो उन्होंने कहा उसमें कहा कि ये कठिनाई है करने में, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो छठ घाटों का निरीक्षण है वो खुद बीजेपी के जो सदर विधायक है वो करते हुए आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन है, उन्होंने बिहार की नई सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा है और कहा है कि इस सरकार में जो आपराधिक ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ गया है, और इसको लेकर जो हमने खुद सहरसा SP से एक विशेष मांग की है कि छठ घाटों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका पुख्ता इंतजाम कर, कहीं ना कहीं जो छठ घाटों का निरीक्षण है वो कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी देख रहे हैं, साफ सफाई की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच रही है उसका भी जायजा लेते हुए जो बीजेपी के सदर विधायक है डॉक्टर आलोक रंजन वो नज़र आ रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।